यहाँ बात है आपकी अदन जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने खुद तब्रेज को कॉल की और उसके बाद उससे कहा कि वो मुझे पैसे दे और पैसे ले भी लिए। कमाल है, वेल डन जी। अरे आपके पैसे जो लौटाने थे। मेरे पैसे? मेरे कौन से पैसे? वो जो परवीन बाजी के ऑपरेशन के लिए लिए थे आपसे। नदन जी, मैंने तो आपसे वो पैसे मांगे ही नहीं। मैंने बहुत सोचा, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची कि अगर तब्रेज से मांगूंगी तो इसमें गलत क्या है, वो तो मेरा हक है ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि आपका भाई बहुत पैसे वाला है। हाँ, पैसे तो अच्छे हैं उसके पास, क्यों? अच्छा, लगता है कंजूस है। मैंने जब पैसे मांगे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं अदन जी, कंजूस नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो हैरत हो रही है आप ऐसा कह रही हैं। शायद फिर मुझ पर ही खर्च नहीं करना चाह रहे होंगे। होते हैं ऐसे मर्द, उन्हें बीवी के फराइज तो अजबर होते हैं लेकिन हकूक याद नहीं रहते। मैं भी आइंदा तकाजा नहीं करूंगी। वो तो आपके पैसे लौटाने थे इसलिए कह दिया। अरे लेकिन मैंने तो आपसे पैसे मांगे ही नहीं ना, और वो पैसे तो मैं आपसे वापस नहीं ले रहा हूँ। आपने एक गरीब जरूरतमंद की मदद की है और इस नेक काम में मुझे हिस्सेदार बनाया, तो शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए ना। शुक्रिया आदन जी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है लेकिन वो किसी से कहकर अपना भरम नहीं खोना चाहते। मैं बस ऐसे ही लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आप जानती हैं, अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों की हर जगह मदद करता है। अल्लाह आपका भी हर मौके पे साथ देगा, आपके रास्ते साफ करेगा।